am back from Nepal. ये 3 घंटे नेपाल के बहुत बेहतरीन थे. गौतम बुद्ध जी की बर्थ प्लेस देखी और बहुत सारी जगह है, मोनेस्ट्री एंड डिफरेंट थिंग्स. तो नेपाल अनडेवलप्ड है थोड़ा, जो मेरे को देख के लगा. मैं फर्स्ट टाइम गया था. तो बेसिकली आगे के प्लान के बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको. तो आगे का प्लान मैंने बना लिया है. अब हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी यहाँ से है 747 किलोमीटर और 15 से 16 घंटे का रास्ता दिखा रहा है. और भाई बहुत तगड़ी और खतरनाक अकेले ड्राइवर. सो इट्स बीन लॉन्ग, मैंने वीडियो नहीं बनाई है तब से. सुबह 11 बजे से गाड़ी चल रही है. 750 किलोमीटर सिलीगुड़ी का और 250 किलोमीटर रह गया. 500 किलोमीटर में आ चुका हूँ और 7 बज चुकी है. तो 8 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ लगातार. बीच में अभी रुका था चाय पीने के लिए. तो अब सोच रहा हूँ कि 4-5 घंटे का जो रास्ता है ये करा जाए सुबह. तो भाई अच्छा था होटल मिलेगा तो भाई आप रोक देंगे, अपना सोएंगे, सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे और जल्दी जल्दी सुबह पहुंचेंगे दार्जिलिंग. सो गाइस इट्स 6 इन द मॉर्निंग, फिर निकले हैं रात को. यार ऐसी जगह रूम लेना पड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता. 500 रुपये में रूम लिया था, 500 रुपीज़. और बहुत छोटा था, बहुत अजीब सा, गद्दा भी नहीं होता, बहुत अजीब सा रूम था. मतलब रात काटनी थी तो लेना पड़ा. लेकिन मैं सुबह होते निकल गया हूँ यहाँ से. 4 घंटे का रास्ता अपना दार्जिलिंग का. और ये सिंगल वे हो गया अब सारा, ना सारा का सारा सिंगल वे है. तो इसलिए मैंने रात को ड्राइव नहीं की. और 8-9 घंटे एक साथ ड्राइव करने के बाद फिर मन नहीं करता था. तो अब सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं है तो टाइम से जल्दी पहुँचेंगे. चलाओ The road is very beautiful. और यहाँ पे जो है ना सामने माउंटेन स्टार्ट हो गया है दूर से दिखने. बहुत सही लग रहा है, बहुत सही, बिल्कुल डिफरेंट प्लेस. शांति, कोई शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आसपास खेती हो रखी है और बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, 1.5-1.5 फीट के पेड़, छोटे छोटे से. मेरे ख्याल से ये शायद ये भी टी की फार्मिंग ही कर रहे हैं. मैं अभी कोई शॉट ले पाया तो अच्छे से दिखाऊंगा उसका भी. I'm really liking this place, man. बहुत प्यारे रास्ते हैं, बहुत ज्यादा ही शांति है. और हम पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हो गए. अब हम हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इधर उधर सब जगह तो हुआ है, हर जगह के पहाड़ देख लिए. अब इस साइड के पहाड़ अपने लिए थोड़े नए थे. तो भाई नए पहाड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है. हर जगह के पहाड़ों से आपको डिफरेंट मिलेंगे. सो वी हैव ब्यूटीफुल रिवर गोइंग डाउन देयर. पानी थोड़ा कम है लेकिन पहाड़ों पे से ऊपर बहुत ठंडी हवा आ रही है और पानी भी मुझे पता है बहुत चिल्ड होगा ये. और ठंड से याद आया कपड़े इस बार भी नहीं है क्योंकि इस बार भी पता नहीं था कहाँ जाना है. Continue on Merrick Road for 7 kilometers. इस बार भी ठंड के कपड़े नहीं है. और यहाँ पे तो 0 पॉइंट भी है शायद, है ना. बहुत सारी जगह है, मतलब मैंने इतना गूगल नहीं किया है इस पे. लेकिन दार्जिलिंग आई नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट अराउंड दार्जिलिंग देर आर मोर प्लेसेज लाइक कुर्सियोंग. आई डोंट रिमेम्बर देम ऑल, बट या I'm damn sure there are very beautiful places. Gangtok, Sikkim, Assam, and many more. Well, बहुत अमेजिंग जगह है यार, बहुत अमेजिंग. मेरे को पता नहीं इतनी खुशी हो रही है अंदर से अपने आप ही इस जगह पे. आगे चेक करो यार क्या जगह है भाई. ये देखो रोड्स देख रहे हो, बिल्कुल जैसे सिल्क रोड्स होती है ऐसे 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 ऐसे. और ये सारी स्टेप फार्मिंग की हुई है, ये सारी भाई आपकी टी की ही है सारी फार्मिंग. और वहाँ पे वो दिख रहा है और गाड़ी यहाँ खड़ी है. बहुत बढ़िया रास्ता है यार, मतलब थोड़ा छोटा है रास्ता लेकिन सही है.
दार्जिलिंग यहाँ से रह गया 30-35 किलोमीटर और ऐसे ही पहाड़ हैं और डेढ़ घंटा व्यू दिखा रहा है। मैं आपने लेट्स गो दिस इज कुर्सियों। बड़ी सिटी सी लग रही है मतलब पहाड़ों के हिसाब से और ट्रैफिक बहुत रहता है यार। साइड में टॉय ट्रेन की रेलवे ट्रैक है और गाड़ियों को एक साथ निकल नहीं सकती मतलब दो गाड़ियां हो तो। भाई इतनी हाइट पे आ गया बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है सेक्सी बर्फ बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अभी दिखेगी नहीं। शॉट आने तो दिखाता हूँ और भाई खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है यार बिल्कुल। That was the toy train. Engine of toy train. So many toy train engine. That is going back. I think they are going to have more passengers. Nice to have toy towns over such height. The beauty of Darjeeling is amazing. I can show you it in some videos. You have to come here yourself and see it with your naked eyes. Then you can only know the beauty of Darjeeling. So this is the Darjeeling. We are in Darjeeling right now. पहुंच चुके हैं 1-2 किलोमीटर वैसे दिखा रहे हैं लेकिन सीमा तो लगी चुकी है दार्जिलिंग की। अब मैं होटल ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा सा होटल मिल जाए व्यू वाला जिससे वही बर्फ की साइड दिख रही हो मजा आ जाएगा। पहले तो सूप पीऊंगा यार एक ठंड लग रही है ना खराब हो रखी है एक बढ़िया सा सूप गरम गरम पी के फिर कुछ खाऊंगा और नहाऊंगा फिर मैं सोऊंगा। वही पहुंच के सोने का आनंद ही अलग है फिर उसके बाद 1-2 दिन यही रुकेंगे और चिल करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या है। रूम मिल नहीं रहा कहीं भी सारे रिजॉर्ट फुल हैं। रमाडा क्या रिट्रीट क्या लिटिल तिब्बत क्या सारे के सारे तो फिर एक जगह रूम मिल तो गया और रिजॉर्ट आज रात के लिए सारे बुक हैं तो देखते हैं आज रुकेंगे जहाँ पे मिला है। लेकिन व्यू बहुत अच्छा है रूम से रूम चाहे इतना वो नहीं है मतलब रूम भी ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। व्यू दिखाऊंगा मैं भी चल के अभी भी अब बैग्स लेके गए हैं फिर पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे उसके बाद रूम दिखाता हूँ। सो दिस इज द रूम टूर एज अ वॉशरूम। And here we have the view. There, it is Kanchenjunga, world second highest peak. तो रूम से देख पा रहे हैं और ये व्यू वॉशरूम से भी है अगर कोई कुछ करते हुए देखना चाहता है तो वहां से भी देख सकता है। बेसिकली रूम बहुत प्यारा है। आज के दिन मैं सिर्फ चिल करने वाला हूँ सिर्फ चिल यहीं पे रहूंगा कहीं नहीं जाना कुछ नहीं करना शांति से लेटना है रेस्ट करना है। ठंड लगी हुई है यार कपड़े ही नहीं है। आज रेस्ट करके फिर कल सारा दार्जिलिंग करूंगा एक्सप्लोर फिर उसके बाद जाऊंगा आगे गैंगटॉक गैंगटॉक करेंगे एक्सप्लोर फिर उसका जाएंगे जीरो पॉइंट के बाद देखेंगे कि नाथुला पास जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। नाथुला पास इज इंडो चाइना बॉर्डर। चलो